और ऐसे किसान भाई जो इस समय लगा चुके हैं उनकी गाजर 40 से 45 दिन की करीब हो चुकी है, तो उसमें उनको एक दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने बुआई करते समय बीज थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है और घनी हो गई है तो उसमें थिनिंग की जाती है जिसको बिरलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि किसान भाइयों को जहाँ पर घना दिखता है तो वहाँ से जो पतली जड़ वाली गाजरें हैं उनको निकालते जाएंगे, और जिससे कि लाइनों के बीच में जो पौधे हैं एक गाजर से दूसरे गाजर उसके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रहे। और इसी समय आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी फसल 40-45 दिन की हुई है तो आपकी जो नाइट्रोजन उर्वरक है इसकी कुछ मात्रा आपकी जो बची होगी उस मात्रा को आप खेत में अच्छे से मिला करके और गुड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि सारे जो पोषक तत्व हैं आपके फसल को मिल जाएंगे और जो इसके साथ साथ जो खरपतवार हैं उसका भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि नारंगी रंग की गाजर जो बाजार में मिलती है अभी मार्च और अप्रैल के महीने में आपको दिखेगी, फरवरी के महीने में भी दिख जाती है, तो ऐसी गाजर की बुआई का समय इसमें उपयुक्त है। इस गाजर के लिए हमने पूसा संस्थान में एक नेंटिस करके प्रजाति है, इसके अलावा हमारी एक संकर प्रजाति है इसको नैन ज्योति कहते हैं, इन दो का बीज आप प्राप्त कर सकते हैं और इनको आप खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर ली होगी और आपकी फसल करीब 40-45 दिन की हो चुकी होगी, तो इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि इसमें अर्ली ब्लाइट जो आती है जिसमें पत्ते में आप देखेंगे कि काला धब्बा आएगा और उसको धूप की तरफ करके देखेंगे तो उसमें छल्ले जैसे, उसको कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं, ऐसे छल्ले बने हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप डाइथेनेम 45 एक दवा होती है इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। इसके अलावा जैसे ही ठंडा बढ़ेगा किसान भाई, ऐसे में जो दूसरी बीमारी आती है किसान भाई उसमें विशेषकर से आपका लेट ब्लाइट बोलते हैं जिसको, इसको आप मृद रोमिल आस्था भी कहते हैं, तो इस बीमारी का विशेषकर से पहचान आप करेंगे। इसमें भी पत्ते में काला धब्बा दिखाई देगा और वो हल्का चिपचिपा रहेगा और धब्बा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस बीमारी के लिए आप रिडोमिल जो दवा होती है उसकी रिडोमिल की आप 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और जब भी पाले की संभावना आपको लगती है कि और मौसम अनुमान को आप देखते रहिएगा, उसके अनुसार अगर लगता है कि पाले की घोषणा की जाती है, संभावना होती है, तो आप अपने खेत में हल्की सी सिंचाई बनाए रखें।